और बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी से अपर्णा यादव मिली है। सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की प्रतीक यादव की सीएम से मिले हैं, इस तरह की खबर आ रही है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव और अब मुलाकात हुई है अपर्णा यादव की सीएम योगी से। हालांकि एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है इसे। प्रतीक यादव भी सीएम से मिले हैं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव और एक शिष्टाचार भेंट के नाते सीएम योगी से अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की मुलाकात हुई है। बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, मुख्यमंत्री से अपर्णा यादव की मुलाकात हुई है, मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? सिर्फ शिष्टाचार भेंट या कुछ और? देखिए, महिला आयोग में उपाध्यक्ष के रूप में अपर्णा यादव की तैनाती हुई है और आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उनका सूची में नाम है। लेकिन जहां महिला आयोग की अध्यक्ष ने अपनी नियुक्ति उनकी हो गई है, उन्होंने अपना जाके ज्वाइन कर लिया है, वहीं बाकी मेंबरों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अपर्णा यादव ने ज्वाइन नहीं किया था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव नाराज हैं अपने इस पद से, जो पद उनको दिया गया है इससे वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अपर्णा यादव ने ज्वाइन नहीं किया। अब इसी संबंध में अपर्णा यादव ने तमाम जो सूत्रों की माने कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी अपनी आपत्ति जताई थी कि वो इस पद पर नहीं रहना चाहती हैं, इस पर नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या उत्तर प्रदेश के नेता, उन्होंने मनाने की कोशिश अपर्णा को की थी और अपर्णा ने इसी संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कल की है। उनके साथ में उनके पति प्रतीक भी मौजूद रहे और अपर्णा यादव से मुलाकात में मुख्यमंत्री सूत्रों को माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको सलाह दी है कि वो इस पद पर ज्वाइन करें। बस अब अपर्णा यादव अपने इस पद पर ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि अब ये एक शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ में सियासी मुलाकात भी है और जाहिर सी बात है कि ऐसी बीच में वो मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जबकि उनकी नाराजगी की खबरें चल रही थी। चलिए ठीक है संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने। और बात वृंदावन की करें तो यहां पर बंदरों ने खूब आतंक मचाया हुआ है। ताजा घटना में बंदर ने एक महिला का पर्स छीन लिया और वो नीचे गिर पड़ी, जिससे उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वृंदावन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो बेहद ही खौफनाक है। कब बंदर आप पर हमला कर दे इसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता। जो वीडियो सामने आया है उसमें दो महिलाएं एक ऊंची गली की चढ़ाई चढ़ रही थीं। कई और लोग भी थे जो वहां से गुजर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। अचानक बंदर चुपके से कहीं से आया और महिला के पर्स को छीन लिया। महिला को जैसे ही पता चला वो अपना पर्स वापस लेने के लिए पीछे पलटी, लेकिन नीचे ढलान होने की वजह से वो काफी ऊंचाई से जमीन पर गिर गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो बेहद ही खौफनाक से भरा हुआ है। कहा जा रहा है कि महिला करीब 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी है। उसके मुंह और सिर में चोट आई, महिला लहूलुहान हो गई। इसके बाद तो लोग मौके पर जमा हो गए और महिला को संभाल लिया, बाद में पास के क्लिनिक में ले जाया गया। पश्चिम बंगाल से श्रद्धालुओं का एक ग्रुप वृंदावन दर्शन करने के लिए आया था। इस ग्रुप में शामिल एक महिला के हाथ में थैला और एक हाथ में पर्स था। सभी लोग मदन मोहन जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ी तभी बंदर ने झपट्टा मार लिया। इसके बाद जैसे ही महिला पीछे मुड़ी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। इसके बाद तो ग्रुप में आए दूसरे लोग भी सहम उठे। वृंदावन में ये तस्वीरें बेहद ही आम है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त बंदरों का खतरा बना रहता है। बंदर अचानक आते हैं और श्रद्धालुओं के हाथ के सामान को देखकर झपट पड़ते हैं। इन हमलों में कई लोग घायल भी हो जाते हैं, जैसे कि इस महिला के साथ हुआ। वृंदावन में अभी तक बंदर लोगों के आंख के चश्मे, हाथों से पर्स और मोबाइल छीन ले जाते थे।
अगर किसी ने टोपी भी पहनी तो उसकी टोपी भी सुरक्षित नहीं होती, लेकिन अब बंदर महिलाओं के आभूषण भी छीनने लगे हैं। इसी मंदिर के पास कुछ दिन पहले बंदरों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अभी हाल ही में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए एक महिला हरियाणा से पहुंची थी, लेकिन वो भी बंदर की शरारत का शिकार हो गई। बंदर चुपके से आया और उसके कानों के कुंडल खींच लिया। महिला को कुछ समझ में आता इससे पहले बंदर कुंडल लेकर फरार हो गया। बंदर से कुंडल लेने के लिए उसे खाने की चीजें दी गई, लेकिन बंदर ने बहुत छकाया। बड़ी मशक्कत करने के बाद महिला को उसके कुंडल वापस मिले। वहीं लोग स्थानीय प्रशासन से बंदरों के आतंक को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। मथुरा से न्यूज 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।